मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिलीवर लेक्चर ऑन कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन। जो हमारा लेक्चर है, जो आज का है, किसके ऊपर है? कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन। देखो, कंसोल जो फंक्शन होते हैं वो आप इनपुट भी करा सकते हो, इनपुट आप कीबोर्ड के द्वारा इनपुट करा सकते हो, और आउटपुट आप स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करा सकते हो। टू टाइप के आपके कंसोल फंक्शन होते हैं, जो सी और सी प्लस प्लस दोनों लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं, जैसे गेट कैर, पुट कैर, गेट्स एंड पुट्स। गेट कैर के द्वारा आप इसको, ये जो फंक्शन है, ये कंसोल फंक्शन है, इनको आप सी लैंग्वेज में और सी प्लस प्लस दोनों में यूज कर सकते हैं। और इनकी एड्रेस फाइल क्या होती है? स्टडियो डॉट एच, हैस इंक्लूड स्टडियो डॉट एच। कोई करेक्टर अगर आपको इनपुट कराना है तो गेट कैर के द्वारा करेक्टर आप इनपुट करा सकते हैं। कोई भी एक करेक्टर आपको प्रिंट कराना, देखो ये केवल एक ही करेक्टर को इनपुट कर सकते हैं, ये केवल एक करेक्टर को प्रिंट करा सकते हैं। अगर आपको करेक्टर के साथ काम करना है तो गेट कैर क्या काम कराएगा? रीड द करेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड। पुट कैर क्या कराएगा? पुट द करेक्टर ऑन द स्क्रीन। गेट्स, देखो नेम से सजेस्ट है, गेट द स्ट्रिंग, इसके द्वारा स्ट्रिंग को इनपुट करा सकते हो। स्ट्रिंग क्या होती है? एरे ऑफ करेक्टर, बहुत सारे करेक्टर का समूह होती है। अगर एक से ज्यादा अगर आपको करेक्टर इनपुट कराने हैं, उसके लिए आप किसका यूज करते हैं? गेट्स फंक्शन का। अगर एक से ज्यादा करेक्टर आपको प्रिंट कराने हैं, उसके लिए आप किसका यूज करते हैं? पुट्स। तो गेट कैर एंड पुट कैर, ये तो आपके करेक्टर फंक्शन है। गेट्स एंड पुट्स, ये आपके क्या है? स्ट्रिंग फंक्शन है। इनके द्वारा आप एक करेक्टर इनपुट और डिस्प्ले करा सकते हो, और गेट्स के द्वारा आप मल्टीपल करेक्टर, जिसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग, उसको इनपुट करा सकते हैं। पुट्स के द्वारा क्या करा सकते हैं? स्क्रीन को, सॉरी, करेक्टर को क्या करा सकते हैं? प्रिंट करा सकते हैं, स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकते हैं। और स्ट्रिंग क्या होती है? एरे ऑफ करेक्टर इज नोन एज स्ट्रिंग। अब बात करते हैं, हम इनपुट तो किसके थ्रू कराते थे? सीन के थ्रू भी कराते थे, और आउटपुट हम सी आउट के थ्रू भी कराते थे। फिर हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ी? गेट कैर की, पुट कैर की, गेट्स की, पुट्स की, इन्हीं की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, अगर हम करेक्टर कराते हैं तो ये क्या करता है? जैसे आपका स्पेस, स्पेस इनपुट नहीं करता, मतलब जो भी आपके आपके स्पेशल करेक्टर होते हैं, जो भी आपके करेक्टर होते हैं, जैसे गेट्स में सपोज करो आप एक स्ट्रिंग इनपुट कराना चाहते हो, जैसे आपका नाम है विकास कुमार, विकास के बाद आप स्पेस देना चाहते हो, जैसे ही स्पेस आएगा तो ये स्ट्रिंग को टर्मिनेट कर देगा। तो ये स्पेस एंटर इस टाइप के करेक्टर को इनपुट नहीं करा सकता था, इसलिए हमारे कंसोल फंक्शन का यूज किया गया। अगर आपको कोई स्पेस देना है तो आप क्या करते थे? अंडरस्कोर की हेल्प से आप स्पेस देते थे। अगर आपको जैसे क्या लिखना है, राम कुमार, राम के बाद क्या आया? स्पेस आया। तो स्पेस अगर आप गेट कैर, अगर गेट्स पुट्स इनसे काम करेंगे तो ये सारी स्ट्रिंग आपकी इनपुट या डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आप यही काम सीन का यूज करके करते हैं तो राम के बाद क्या कर देगा? ये टर्मिनेट कर देगा जैसे ही स्पेस आएगा। तो राम ही आपका स्टोर होगा, राम ही आपका डिस्प्ले होगा, ये कुमार आपका ना ही तो स्टोर होगा ना ही डिस्प्ले। इसलिए हमने इनपुट आउटपुट कंसोल फंक्शन का यूज किया। स्पेस को भी एज ए करेक्टर या एज ए स्ट्रिंग काउंट करता है। एक आपके स्ट्रीम के फंक्शन है, आईओ स्ट्रीम के फंक्शन है, जिनकी एड्रेस फाइल क्या है? आईओ स्ट्रीम। गेट ये क्या कराता है? करेक्टर को इनपुट कराता है, उसी तरह जैसे गेट काम, गेट कैर काम। पुट क्या कराता है? करेक्टर को प्रिंट कराता है। गेट लाइन, जैसे आपका गेट्स फंक्शन काम करता है ना, स्ट्रिंग को इनपुट कराता है, गेट लाइन क्या करता है? ये आईओ स्ट्रीम का फंक्शन है, ये भी स्ट्रिंग को इनपुट कराता है। जैसे आपका पुट्स स्ट्रिंग को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराता है, उसी तरह आपका राइट फंक्शन भी आपका क्या कराता है? स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराता है। ये आईओ स्ट्रीम के फंक्शन है, ये स्टडियो के फंक्शन है। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट है, सिंगल करेक्टर फंक्शन। देखो, सिंगल करेक्टर जो आपके फंक्शन है, कौन से? स्टडियो के। एक तो गेट कैर है, एक पुट कैर है। गेट कैर के द्वारा आप कोई भी करेक्टर को रीड कर सकते हो, किसके द्वारा? कीबोर्ड के द्वारा। और पुट कैर के द्वारा क्या कर सकते हो? करेक्टर को प्रिंट कर सकते हो स्क्रीन के ऊपर। अगर करेक्टर आपको इनपुट कराना है तो उसका सिंटेक्स ये है, पहले क्या लिखेंगे? गेट कैर। ये क्या काम करेगा? करेक्टर को इनपुट करा देगा, जो भी आप रन टाइम पे डालोगे
गेट कैर क्या काम करेगा, वो सीएच के अंदर वैल्यू स्टोर करा देगा, और सीएच किस टाइप का होगा, आपका कैरेक्टर टाइप का होगा। द स्टैंडर्ड रीड ए कैरेक्टर यूजिंग गेट कैर, मतलब अगर आपको रीड कराना है रन टाइम पे कोई भी डालोगे वो वैल्यू कहां स्टोर हो जाएगी, सीएच वेरिएबल के अंदर। पुट कैर, अगर आपको कोई सपोज करो इसके पास कोई कैरेक्टर है और वो आपको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है, तो आप कैसे लिखेंगे, पुट कैर और ब्रैकेट में क्या पास कर देंगे, इस वेरिएबल का नाम। तो जो भी इसके पास वैल्यू है, जो भी इस कैरेक्टर के पास वैल्यू है, वो आपकी स्क्रीन पे आपकी प्रिंट हो जाएगी। एक देखिए आपका प्रोग्राम है, इससे पहले आप हेडर फाइल लिख लेना, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, सॉरी हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड स्टडियो डॉट एच भी जरूर लिखना, और हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। आईओ स्ट्रीम किसके लिए, आपकी सी आउट और सी इन के लिए यूज होती है आपको पता है, और कोनियो किसके लिए, गेट सी एच के लिए, और स्टडियो आपने किसके लिए ली, गेट कैर और पुट कैर के लिए। तो आपको ये फाइल डिफाइन करनी पड़ेगी, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, आईओ स्ट्रीम डॉट एच, ये किसके लिए, सी आउट और सी इन के लिए, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ये आपने गेट सी एच फंक्शन ले रखा है लास्ट में, जो गेट कराता है करेक्टर जब तक कोई की। एक और आपका होता हैश इंक्लूड स्टडियो डॉट एच, ये आपकी किसके लिए, गेट कैर और पुट कैर के लिए। अगर आप गेट और पुट कैर को आप अपने प्रोग्राम के अंदर एक्सेस करना चाहते हो, तो आपको क्या फाइल डिफाइन करनी पड़ेगी, स्टडियो डॉट एच। देखिए एक सी एच वेरिएबल लिया, किस टाइप का, कैरेक्टर टाइप का। देखो अगर गेट कैर या पुट कैर में काम करना चाहते हो, तो जो यहां वेरिएबल लोगे वो किस टाइप का होगा, कैरेक्टर टाइप का। देखो सी एच इज ए वेरिएबल विथ टाइप कैरेक्टर टाइप, मैंने बताया था अगर इंटीजर वैल्यू स्टोर करानी है तो उसके लिए इंट लेते हैं, अगर कोई डेसिमल वैल्यू स्टोर करानी है उसके लिए फ्लोट लेते हैं, अगर कोई कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करानी है उसके लिए हम कैर डाटा टाइप लेते हैं। ये ध्यान रखना, ये इंटीजर के लिए 12-12, ये फ्लोट के लिए 12.75, ये कैरेक्टर के लिए ए बी स्टार, जो भी आप कैरेक्टर इनपुट कराना चाहते हो। तो जैसे ही आपका प्रोग्राम रन होगा, ये आपका एक मैसेज आ जाएगा, एंटर ए कैरेक्टर, एंटर ए कैरेक्टर। सपोज करो आपने क्या इनपुट करा दिया, ए, तो ए ये गेट कैर क्या फंक्शन कराएगा, जो आपने रन टाइम पे वैल्यू दी है, जो आपने करेक्टर दिया है, केवल ए की करेक्टर इनपुट होगा, ए किस में वैल्यू स्टोर करा देगा, सीएच में। तो सीएच में क्या वैल्यू स्टोर होगी अब आपकी, ए। अब आपको एक मैसेज प्रिंट कराना है, योर करेक्टर, मैसेज आप उसी तरह सी आउट के थ्रू कराएंगे, तो आपका मैसेज हो जाएगा योर करेक्टर इज। देखो अब करेक्टर को प्रिंट कराना है तो किसका काम होता है, पुट कैर, और जो या आपका वेरिएबल है जिसके पास वैल्यू है उसको यहां ब्रैकेट में पास कर देंगे। तो आपने क्या कर दिया, सी एच, और सी एच के पास क्या है, ए, तो यहां से क्या प्रिंट हो जाएगा, योर करेक्टर इज ए। गेट सी एच वही काम करता है, गेट द करेक्टर। तो इस तरह आप काम कर सकते हैं गेट कैर और पुट कैर से। ध्यान रखना गेट कैर क्या कराता है, कोई भी रीड करता है करेक्टर जो भी आप रन टाइम पे डालते हैं, पुट कैर क्या कराता है, करेक्टर को प्रिंट करता है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो ये सिंटेक्स है, आप कैसे इनपुट कराएंगे, पहले गेट कैर फंक्शन लिखेंगे और इसको असाइन कराएंगे जो वेरिएबल आपने पहले डिक्लेयर किया है, पुट कैर में सीधा जो वेरिएबल, जिस वेरिएबल के पास वैल्यू है, इस तरह आप काम कराएंगे। देखिए हमारे करेक्टर फंक्शन के बाद हमारे कुछ स्ट्रिंग फंक्शन है, जिसके द्वारा आप स्ट्रिंग को इनपुट करा सकते हो और स्ट्रिंग को डिस्प्ले करा सकते हो। स्ट्रिंग को इनपुट कराने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है, गेट फंक्शन, और स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए उसके लिए कौन सा, सॉरी गेट्स फंक्शन यूज किया जाता है, उसके लिए प्रिंट कराने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है, पुट्स। एक बात ध्यान रखना, जिसके पीछे ये कोस्ट आ जाए वो फंक्शन है, और जिसके पीछे ये कोस्ट आ जाए वो एरे है, ये आप हमेशा याद रखना। ये जिसके पीछे ये कोस्ट आ जाए दिस इज ए फंक्शन, और जिसके पीछे ये बड़ी ब्रैकेट आपकी आ जाए वो क्या है, आपका एरे है।
देखो हमारे पास दो फंक्शन, एक तो गेट्स फंक्शन, एक हमारा पुट्स। गेट्स फंक्शन इनपुट द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को इनपुट कराता है, जो भी आप रन टाइम पे आप डालते हैं उसको हम रीड करा सकते हैं, और पुट्स के द्वारा हम जो स्क्रीन के ऊपर हम स्ट्रिंग को प्रिंट कराना चाहते हैं उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, पुट्स फंक्शन। अब बात आती है स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं, पहले तो ये ध्यान रखना, डेटा टाइप, स्ट्रिंग का नेम और स्ट्रिंग का साइज और सेमीकोलन। देखो डेटा टाइप हमेशा स्ट्रिंग में क्या होगी, कैर होगी, यह ध्यान रखना। स्ट्रिंग का नाम आप कोई भी दे सकते हो, एस नेम कोई भी नाम दे सकते हो, नेम एस टी आर कुछ भी दे सकते हो भाई। और यहां पर साइज आपने कोई भी ले सकते हो, आप साइज सपोज करो आपने 21 ले लिया, तो ये स्ट्रिंग बन गई जिसकी डाटा टाइप एक आप एरे बनाओगे। देखो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये एरे का सिंबल होता है। यहां पर आपने एक एरे डिक्लेयर कर दिया जिसकी डाटा टाइप क्या है, करेक्टर। हमेशा स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग सी प्लस प्लस के अंदर कोई भी डेटा टाइप नहीं होती, स्ट्रिंग हमें बनानी पड़ती है। हमने क्या बनाना पड़ता है, एरे का करेक्टर बनाना पड़ता है। आप सभी जानते हैं एरे ऑफ करेक्टर इज नोन एज स्ट्रिंग। एक करेक्टर, एक एरे बनाएंगे किस टाइप का, करेक्टर। हमेशा डाटा टाइप इसकी क्या होगी, कैर टाइप होगी। यहां पर एरे का नाम कुछ भी दे सकते हो, ये साइज। तो कहने का मतलब यहां पर आप कितने करेक्टर स्टोर करा सकते हो, मैक्सिमम आप 20 करेक्टर स्टोर करा सकते हो। अब बात करते हैं 20 करेक्टर ही क्यों स्टोर करा सकते हैं। जो लास्ट का करेक्टर होता है वो ये स्टोर कराता है, जिसको क्या बोलते हैं, नल ऑफ करेक्टर। नल ऑफ करेक्टर ये बताता है स्ट्रिंग टर्मिनेट कर दी गई है। लास्ट का जो साइज है, आप 20 करेक्टर स्टोर करा सकते हैं, 21 करेक्टर ये आप, ये ऑटोमेटिक आपका स्टोर हो जाता है, और इसको बोलते हैं नल ऑफ करेक्टर। ये स्ट्रिंग को टर्मिनेट कर देता है, इसलिए आप 20 करेक्टर इसमें स्टोर करा सकते हो। अब देखिए प्रोग्राम के अंदर आपने क्या किया, एक एरे बनाया जिसका नाम क्या है, नेम ही है, और जिसकी डाटा टाइप मैंने बताया था स्ट्रिंग में हमेशा डाटा टाइप क्या रहेगी, कैर 21। तो मैक्सिमम आप कितने करेक्टर स्टोर करा सकते हो, 20 करेक्टर स्टोर करा सकते हो। वी कैन स्टोर द 20 वैलिड करेक्टर स्ट्रिंग नेमली नेम, मतलब एक आपने नेम नाम से जो स्ट्रिंग बनाई है उसके अंदर आप 20 करेक्टर स्टोर करा सकते हो। और जो एक्स्ट्रा है इसको क्या बोलते हैं, नल ऑफ करेक्टर। ये क्या करता है, स्ट्रिंग को हमेशा टर्मिनेट करता है। अब इसका सिंटेक्स देखिए, ये हमने स्ट्रिंग एक डिक्लेयर कर दी जिसका नाम क्या है, नेम ही है, एस नेम कुछ भी ले सकते हो यहां पर। अब स्ट्रिंग को इनपुट कैसे कराते हैं, पहले क्या लिखेंगे, गेट्स, गेट्स फंक्शन, और ये इसकी हेडर फाइल होती है आपकी हैश इंक्लूड स्टडियो डॉट एच। गेट्स और फिर ब्रैकेट में जो आपका स्ट्रिंग का नेम है वो दे देंगे। तो यहां ऐसे आप स्ट्रिंग को आप क्या करा सकते हो, इनपुट करा सकते हो। और स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है तो किसके द्वारा कराओगे आप, पुट्स फंक्शन के अंदर। पुट्स के अंदर जो आपने स्ट्रिंग का नेम डिक्लेयर किया वो पास कर देंगे। तो इस तरह आप स्ट्रिंग को क्या करा सकते हो, प्रिंट करा सकते हो। अभी हम सिंटेक्स और एग्जाम्पल देखेंगे किसका, स्ट्रिंग फंक्शन का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर करेंगे। स्ट्रिंग की डाटा टाइप हमेशा क्या होगी, करेक्टर टाइप की होगी। मैंने बताया जो डेटा टाइप होगी वो आपकी कैसी होगी, करेक्टर टाइप की होगी। और स्ट्रिंग का नाम कुछ भी हो सकता है, नेम हो सकता है, एसटीआर हो सकता है, कोई भी आप नेम रख सकते हो। 21 दिया तो मैक्सिमम आप 20 करेक्टर आप स्टोर करा सकते हो। इस तरह आप इनपुट कराएंगे गेट्स, और जो भी स्ट्रिंग का नेम है वो इस ब्रैकेट में पास कर देंगे। अगर स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है तो पुट्स, और जो भी स्ट्रिंग का नेम है उसके अंदर पास कर देंगे। एक प्रोग्राम देखेंगे, राइट ए प्रोग्राम, स्ट्रिंग इनपुट कराएंगे और स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करेंगे, उसकी लेंथ कितनी है। देखो भाई हमने तीन हेडर फाइल ली, आईओ स्ट्रीम डॉट एच, हमारा कोनियो डॉट एच और स्ट्रिंग डॉट एच। देखो आईओ स्ट्रीम हमारा किसके लिए, सीन और सी आउट के लिए। स्ट्रिंग का एक फंक्शन ले रखा है हमने एस टी आर लेन, जो क्या करेगा, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करेगा। वैसे हम अपना खुद का लॉजिक लगा के भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। और कोनियो हमें किसके लिए लिया, गेट सी एच फंक्शन के लिए। ये आपकी क्या है, एडर फाइल, स्ट्रिंग के थ्रू ये स्ट्रिंग एस टी आर लेन इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं, आईओ स्ट्रीम के थ्रू सी इन और सी आउट का, कोनियो
कोनियो के थ्रू गेट सी एच का, ये आपका क्या है फंक्शन है, मेन फंक्शन मैंने बताया था जिसके पीछे ये कोस्ट आ जाए वो क्या है फंक्शन है, तो मेन भी क्या है आपका फंक्शन, जिसकी रिटर्न टाइप क्या है वॉइड। एक मैंने फंक्शन, एक मैंने एरे डिक्लेयर किया जिसकी टाइप क्या है करेक्टर, अगर एरे में डिक्लेयर करूं और उसकी टाइप क्या हो करेक्टर तो वो क्या कहलाएगा आपका स्ट्रिंग, तो मैंने एक स्ट्रिंग बनाई जिसका नाम क्या है एस नेम, और इसका साइज क्या दिया 21, आप कितना भी साइज दे सकते हो, तो मैक्सिमम आप कितने करेक्टर स्टोर करा सकते हो 20 करेक्टर स्टोर करा सकते हो। एक वेरिएबल ले लिया मैंने लेन सी आउट, तो आपकी स्क्रीन पे एक मैसेज आ जाएगा एंटर ए स्ट्रिंग मैक्सिमम 20 करेक्टर, तो आपकी स्क्रीन पे एक आपका मैसेज आ जाएगा एक आप 20 करेक्टर तक एक स्ट्रिंग इनपुट करा सकते हो। सपोज करो आपने क्या कर दिया विकास, तो गेट्स का मतलब क्या है ये क्या करेगा इनपुट कराएगा इस स्ट्रिंग को, इसका काम क्या होता है स्ट्रिंग को इनपुट कराना, जैसे ही आपके रन टाइम पे आपसे पूछेगा एंटर ए स्ट्रिंग तो आपने विकास डाला, तो जो विकास है वो गेट्स फंक्शन क्या करेगा इस एस नेम में वैल्यू स्टोर करा देगा, इस एन एस नेम में क्या हो जाएगा आपका विकास स्टोर हो जाएगा। अब क्या किया देखो ये एस टी आर लेन, ये डायरेक्ट किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट कर सकता है, किसी के आगे स्ट्रिंग के आगे हम लगाएंगे तो देखो 1 2 3 4 5, तो ये यहां पर क्या आ गया आपका 5, और ये लेन को क्या दे देगा 5, अब आपका मैसेज क्या प्रिंट हो जाएगा द स्ट्रिंग इज। अब पुट्स, पुट्स फंक्शन क्या काम करता है स्ट्रिंग को प्रिंट करा देता है, तो और स्ट्रिंग में क्या है हमारा द स्ट्रिंग इज विकास, तो मैसेज आपका ये प्रिंट हो जाएगा। अब आपको लेंथ प्रिंट करनी है तो आपका मैसेज आ जाएगा द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो भी आपकी लेंथ है 5 थी तो यहां से क्या हो जाएगा 5 प्रिंट हो जाए। इस तरह आप स्ट्रिंग के फंक्शन, अगर आपको स्ट्रिंग को इनपुट कराना है, देखो गेट्स और पुट्स दो फंक्शन है, गेट्स क्या काम कराता है स्ट्रिंग को इनपुट कराता है, उसका सिंटेक्स क्या है गेट्स लिखेंगे और जो आपने स्ट्रिंग डिक्लेयर की है वो यहां पर पास कर देंगे, अगर स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है तो पुट्स लिखेंगे, जो भी स्ट्रिंग का नाम है वो यहां पर पास कर देंगे। इस तरह आप स्ट्रिंग को इनपुट करा सकते हैं, और ये किसके आपके आपके फंक्शन है, इस ये आपके फंक्शन है स्टडियो डॉट एच के, ये ध्यान रखना भी इसकी हेडर फाइल आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी जो हेडर फाइल है इस गेट्स फंक्शन और पुट्स फंक्शन की कौन सी होती है स्टडियो डॉट एच, ये इसकी हेडर फाइल होती है, ये आपको डिफाइन करनी पड़ेगी हैस इंक्लूड स्टडियो डॉट एच, तो इस तरह आप काम कर सकते हैं। कल के वीडियो लेक्चर में हम करेंगे स्ट्रीम के कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन, जैसे कौन कौन से हैं गेट पुट गेट लाइन और राइट फंक्शन, तो इन पर आप प्रैक्टिस करना, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इतना परफेक्ट होगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।